नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कटिहार में मंगलवार की शाम को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे। ये कार्यक्रम जो है दरअसल मनसाही प्रखंड अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा की कुरेठा शाखा की ओर से आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसी लापरवाही देखने को मिली जो कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले जो आयोजक थे उन पे संयोजक जो थे उन पे एक बड़ा सवाल उठाता है। जी हाँ, कटिहार में ऋण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सीढ़ी टूटने से धड़ाम से गिर पड़े। उनके साथ ही साथ सीढ़ी पर चढ़े उनके बॉडीगार्ड सहित 6 लोग भी गिर गए। लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है, इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये लापरवाही जो है वो हो गई। मंच की सीढ़ी जो है वो मजबूत नहीं बनाई गई थी, या फिर क्षमता से अधिक ज्यादा लोग उस सीढ़ी पर चढ़ गए थे, जिस कारण वो सीढ़ी जो है वो टूट गई और तारकिशोर प्रसाद खुद उस सीढ़ी पर गिर गए। हम आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में देश के विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वजीविका दीदियों के बीच सामूहिक रूप से स्वीकृति 5 करोड़ की राशि के पहले किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए का सिंबॉलिक चेक जो है वो वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदी ने पूरे राज्य में बेहतर काम किया। बैंक की ओर से वितरित ऋण को समय पर चुकता कर ना सिर्फ आगे बढ़ रही हैं, बल्कि ऐसे समूह राज्य एवं देश के विकास में सहयोग भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समूह को प्रोत्साहित करने को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। जिस तरीके से कटिहार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बुलाया गया, तो इस तरीके से जो अभी संयोजक थे, जो भी व्यवस्थापक थे, उन्हें उस तरीके का व्यवस्था जो है वो करना चाहिए था। क्योंकि जब आप एक बिहार के डिप्टी सीएम को बुला रहे हैं, इस तरीके से आप मंत्री को बुला रहे हैं, तो आपकी व्यवस्था उस तरीके से ठोस होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये इस कार्यक्रम में सीढ़ी टूटी है और बिहार के डिप्टी सीएम गिर पड़े, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से संयोजक जो है, ये व्यवस्थापक हैं, उन्होंने सारे चीज़ों का अरेंजमेंट किया था। और ये भी अभी जांच का विषय ही है कि आखिर कारण क्या था। जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा, या फिर हो सकता है वो एक कोइंसिडेंस होगा जिस तरीके से डिप्टी सीएम फिसल गए या सीढ़ी जो है वो टूट गई। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देख रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।